जिले के सुमेरपुर कस्बे के स्टेशन रोड का है, जहां सड़क किनारे किराए की दुकान 20 वर्ष के लिए ममता शिवहरे पत्नी सुनील कुमार ने ली थी। ये दुकान नित्यानंद स्वामी द्वारा अनुबंधित, जिसकी लिखा पढ़ी दोनों पक्ष में हुई थी। अब इन दुकानों को खाली कराने के लिए तीसरा पक्ष संतोष कुमार पांडे व दो अनेक व्यक्तिगत गनर कल्पेश द्विवेदी, संदीप सिंह लाइसेंसी असलों से लैस होकर दुकान खाली कराने का दबाव बनाते हैं। इसकी शिकायत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से दबंगों से बचाते हुए न्याय की गुहार लगाई। स्टेशन रोड में नित्यानंद स्वामी सेशन 2009 से 2029 के 20 साल के अनुबंध के लिए चार भीतर के कमरे दो बाहर की दुकानें लिया था, जिसमें 20 साल का किराया 12 लाख होता, 6 लाख नगद प्लस 4 लाख पगड़ी और 6 लाख की चेक 24 फरवरी 2019 के लिए दिया हुआ था, जिसमें अब तथाकथित जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी परमानंद के नाती और संतोष कुमार उर्फ पांडे ज्योतिर्मयानंद ने कहा ये आश्रम अब हमारा है, नित्यानंद को हमने जेल में भेज दिया है, तुम्हें भी जेल भेज देंगे, ये कमरा खाली कर दो। लेकिन हमने कहा कि हमने ये जेवर और ब्याज का रुपया लेके दिया, हम नहीं खाली करेंगे, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। अगर DMSP ने अगर सुनवाई नहीं की तो हम गोल चबूतरे में आगे आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन दुकान नहीं खाली करेंगे।